गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको शब्दार्थ का दोहरान कार्य कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, जो ये शब्दार्थ है, मैंने आपको जो भी आपके सेकंड टेस्ट में आने वाले हैं, पार्ट 1, 2, 3 तीनों के ही ये शब्दार्थ हैं, तो आज हम इनका दोहरान करेंगे। देखो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे। जो ये शब्द हैं, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला शब्द देखिए, शान। शान का अर्थ क्या है? गर्व। दूसरा शब्द देखिए, समर। समर का अर्थ है युद्ध। तीसरा शब्द देखिए, हीरा। हीरा का अर्थ है एक अमूल्य रत्न। चौथा शब्द देखिए, अमीर। अमीर का अर्थ है धनी। पांचवा देखिए, आदत। आदत का अर्थ है स्वभाव। छठा शब्द देखिए, स्वामी। स्वामी का अर्थ है मालिक। सातवां शब्द देखिए, स्थान। स्थान का अर्थ है जगह। आठवां शब्द देखिए, सदैव। सदैव का अर्थ है हमेशा। देखो, फिर से एक बार इनका दोहरान कर लेते हैं। शान, शान का अर्थ होता है गर्व। जैसे यदि आपने कोई अच्छा कार्य किया, तो आपके जैसे आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आए, तो आपके जो माता पिता है वो क्या करेंगे, आप पर गर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा कार्य किया है। ठीक है, अगला देखिए, समर। समर मतलब युद्ध। युद्ध क्या होता है बच्चों? की जब जैसे लड़ाई झगड़े को क्या कहते हैं? युद्ध। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था? बहुत बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे। राजा जो होते थे, वो आपस में अब एक दूसरे की राज्य लेने के लिए युद्ध किया करते थे। अगला देखिए, हीरा। हीरा क्या है? एक अमूल्य रत्न। अमूल्य मतलब होता है जिसका मूल्य ना हो। तो हीरा क्या होता है? बिना मूल्य लगाने वाला रत्न होता है। ठीक है, चौथा देखिए, अमीर। अमीर क्या है? अमीर का अर्थ क्या है? धनी। धनी कौन होता है? जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो धनी होता है या अमीर होता है। ठीक है, जिसके पास बहुत धनी क्या है? जिसके पास बहुत अधिक धन हो। आदत, आदत क्या है? स्वभाव। जैसे स्वभाव मतलब क्या होता है? किसी का तरीका। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको छोटी छोटी बातों पर हंसना आता है। तो देखिए, ये क्या है? उसका स्वभाव, छोटी बातों पर खुश होना और छोटी बातों पर दुखी या गुस्सा होना। तो ये दोनों ही चीज़ें मनुष्य का स्वभाव है। छठा देखिए, स्वामी। स्वामी मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक क्या होता है? जैसे यदि कोई वस्तु आपकी है, तो आप उस वस्तु के मालिक हुए। जैसे आप जब स्कूल में आते हैं, तो अपना बैग लेकर आते हैं, अपना टिफिन लेकर आते हैं, अपनी बॉटल लेकर आते हैं, तो आप उन वस्तुओं के क्या हुए? मालिक। ठीक है, अगला देखिए, स्थान। स्थान का अर्थ क्या होता है? जगह। जगह तो आपको पता है, जैसे आपका घर, वो भी किसी जगह पर है। स्कूल, वो भी कोई जगह है ना। हॉस्पिटल, ये भी एक जगह है। तो ये अलग अलग जगह होती है। सदैव, सदैव मतलब हमेशा। हमेशा जैसे आपको बोलती है कि हमें सदैव अच्छी बातें करनी चाहिए, तो आपको स्कूल में सिखाते हैं ना कि हमें हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए। तो हमेशा मतलब निरंतर या रोज़।
तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको निम्नलिखित शब्दों के अर्थ का दोहरान कराया, आप भी इनका अच्छे से दोहरान करिए। धन्यवाद।